सन 47 में देश जब आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, राजगद्दी पर बैठने की इतनी जल्दबाजी थी कि बारीकी से देखा भी नहीं गया कि भारत विभाजन होने के बाद, और वो भी संप्रदाय के नाम पर विभाजन हुआ था। मुसलमान को इस्लाम के नाम पर अलग देश चाहिए था, उनका एजेंडा साफ था, लेकिन उस समय जो नीति निर्धारक थे कांग्रेस के नेतृत्व में, इन कांग्रेस वालों ने ऐसी गलतियां की है, विभाजन हुआ लेकिन उसमें भी जो गलतियां हुई, और उसी का नतीजा है कि गुरु नानक देव जी, उनकी कर्म भूमि, साधना भूमि, सेवा भूमि करतारपुर साहब, वो पाकिस्तान में चला गया। थोड़ी सी समझदारी होती उस समय के नेताओं में, थोड़ी सी संवेदनशीलता होती, उनको गंभीरता होती कि हिंदुस्तान के जीवन में गुरु नानक देव का स्थान क्या है। तो भाइयों बहनों, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा करतारपुर हमसे बिखर न जाता, हमें दूर नहीं कर देता। गुरु नानक देव से आपको हमसे अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की क्षमता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, राजगद्दी के सिवा कुछ दिखता नहीं था। सिख परंपरा के करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनको अंदाज नहीं था, और दुर्भाग्य से गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ करतारपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कोई भी हिंदुस्तानी सीमा के इस पार से जब दूर देखता है गुरु नानक देव जी का स्थान, उसके मन में कसक रहती है कि वो कौन सा दुर्भाग्य है कि मैं इस पवित्र धरती पर जाकर के मत्था टेक नहीं पाता। भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लड़ाइयां भी लड़ी, लड़ाइयां जीती भी, लाहौर पे झंडा फहराने की बातें हुई, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन गुरु नानक देव के चरणों में मत्था टेकने का प्रबंध नहीं। आज जब मैं मानवता का संदेश जहां से गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया, उस गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाके में आया हूं, तब बड़े विनम्रता के साथ सर झुका करके और सबसे पहले गुरु परंपराओं की क्षमा मांग करके कि हमारे देश में 70 साल तक ऐसे लोग रहे कि उन्होंने जिस बात की उपेक्षा की, ये गुरु परंपरा के आशीर्वाद है कि मेरे हाथ पवित्र काम आया और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का निर्णय कर लिया, कैबिनेट ने निर्णय कर लिया। अब 365 दिन जब वो कॉरिडोर बन जाएगा, तो मेरा कोई भी गुरु परंपरा को श्रद्धा रखने वाला, गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाने वाला कोई भी हिंदुस्तानी आराम से करतारपुर चला जाएगा, गुरु नानक देव जी के स्थान पर मत्था टेक करके लौट आएगा।
ये कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए, क्यों आपको सन 47 में करतारपुर हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये आपको याद क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? इतना बड़ा अन्याय आपने क्यों किया? भाइयों बहनों, मैं तो हर दिन देख रहा हूं उनकी हर बड़ी गलती को ठीक करने का मेरे ही नसीब में आया है। वो जो जो बुरा करके गए उसको ठीक करना मेरे नसीब में ही आया है। और मेरा नसीब मेरे हाथ की लकीरों ने नहीं बनाया है, मेरा नसीब 125 करोड़ देशवासियों के हाथ में। आज अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, अगर करतारपुर कॉरिडोर बनता है, हम आराम से गुरु नानक देव जी के पास मत्था टेकने के लिए जा सकते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको है? इसका क्रेडिट किसको है? अब करतारपुर जा पाएंगे, इसका क्रेडिट किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? जी नहीं, आप गलती कर रहे हैं, इसका क्रेडिट मोदी को नहीं है। ये करतारपुर कॉरिडोर बनने की ताकत इसलिए आई, इसलिए संभव हुआ, ये गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेकना इसलिए संभव हुआ, ये ताकत मोदी नहीं है, ये ताकत आपका वोट है, आपका एक। अगर आपने उस समय भी वोट किसी को गलत को दबा दिया होता तो ये करतारपुर का कॉरिडोर नहीं बनता। आपने सही जगह पर कमल के निशान पर उंगली दबाई, इसके कारण वो दरवाजा खुल गया है। ताकत आपके वोट की है।